माशाल्लाह इन कबूतरों ने कमाल कर दिया। इन कबूतरों के पास था एक अंडा जो कि क्रैक हो गया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये क्रैक अंडे से भी इन्होंने बेबी निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। ये वाला कल पैदा हुआ था और ये आज हुआ, और क्रैक एग्स इनको मैंने ये नेस्ट इनका रीइंफोर्स किया था, ये पत्थर रख के। अंडे मैंने इधर भी मूव किए थे इनके लिए, लेकिन ये खुद ले आए थे इधर, जिसकी वजह से वो अंडा क्रैक भी हो गया था। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने उसमें से भी क्रैक अंडे में से भी ये बेबी हैच कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर के ओनर्स अभी बाहर हैं, तो ये रेसर कबूतर जो है वो ट्राई कर रहा है कि ये जगह इसको मिल जाए। उस वजह से ये इधर कबूतरी को बुला रहे हैं कि भाई इधर आके अंडे दें। अल्लाह करे ये लोग भी बच्चे देना शुरू करें अंडे बच्चे, क्योंकि इसने अभी तक जोड़ी नहीं बनाई। जो घर मैंने अभी दिखाया था जिसमें रेसर कबूतर बैठा हुआ था, बेसिकली इन दोनों का है, और ये दोनों उड़ने वाले कबूतर हैं, और इन दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट बड़े हो चुके हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो फ्लाई भी करेंगे। आपको अपडेट्स मैं देता रहा हूँ टाइम टू टाइम। सो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनसे रूम ले सकेगा, ये इसमें काफ़ी बार बच्चे दे चुके हैं, ये इन दोनों का पक्का रूम है। ये अगेन जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ब्रीड कर रहे हैं तो अंडे देंगे। ये वाला बेबी पिजन माशाल्लाह अब बाहर आ चुका है और काफ़ी बेहतर हो चुका है, यानी इसके पर वगैरह साफ सुथरे हो चुके हैं। हाँ, ये जो इसने लटकाए हुए हैं ये मेरे ख्याल से इसकी नस्ल से ही इस तरह आया हुआ है। इसके जो वालिद साहब हैं उनका भी यही सीन है, वो अगर इधर कहीं बाहर हैं तो मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने भी पर इसी तरह नीचे लटकाए हुए होते हैं। हालांकि उड़ने वाले कबूतर हैं लेकिन उन्होंने पर नीचे ही लटकाए हुए होते हैं हमेशा। ये जी ये उसके फादर हैं, तो इनके भी देखें, उड़ने वाला कबूतर है कमा गरजात का, लेकिन इसके जो पर हैं ये दुम से नीचे रखते हैं जैसे लक्का वालों के होते हैं। शायद इसी वजह से उसके भी पर इसी तरह के हैं। क्योंकि अभी मैंने दाना नहीं डाला, इसलिए जो रोटी सूखी रोटी वगैरह मैंने डाल दी थी मुर्गियों को, उसी में से ये लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं। ये कुछ जो हैं इनके तो बच्चे हैं, ये तो यकीनन बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे भी हैं जैसे ये रेसर कबूतर, इसके बच्चे क्या ये भी बड़ी मुश्किल से इसको मिल रही है लेकिन ये भी इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमने उंगली उठा दी इस रेजर कबूतर की बीवी पे, तो ये जानना इम्पोर्टेंट होएगा कि इसके साथ जोड़ी में आ कौन रहा है। तो आपको बताते हैं, ये जो कबूतर के बच्चे अभी बड़े हुए हैं लास्ट जनरेशन में, ये इसके साथ जोड़ी इसकी बन रही है। कबूतरी तो बड़ी प्यारी है, पाँव पे भी बाल हैं और आइज से वाइट आइज है, उड़ने वाला है, उड़ता है ये भी अच्छा खासा उड़ता है। तो लेट्स होप ये ज़बरदस्त सी जोड़ी बने। ट्राई तो ये बेचारा हर एक पे करता है, लेकिन इसको फ़िलहाल
सबसे बेहतर रिएक्शन रिप्लाई मेरे ख्याल से इसी कबूतरी ने दिया। तो लेट्स होप इसकी जोड़ी और इसकी फैमिली स्टार्ट हो जाए, ज़बरदस्त से बच्चे आए इनके। माशाल्लाह जी, ये वो बच्चे थे, इनमें से ये दो अडॉप्टेड बेबीज थे और बाकी दो इस वाले पेयर के बेबीज हैं। तो ये अच्छे खासे बड़े हो गए, ऑलमोस्ट आप समझें कि कुछ दिनों में ये छोड़ जाएंगे, जाले छोड़ देंगे। और बाकी वो जो रेसर कबूतर ने इधर कमरे पे कब्जा करने की ट्राई की है, तो ये लोग वापस आ गए, अपना रूम क्लेम कर लिया इन्होंने, और अब ये दोनों बैठेंगे अपने रूम में वापस। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कबूतर बैठा है इसके पीछे इसका बेबी बैठा है, और माशाल्लाह वो बेबी भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब इन्होंने नए अंडे यकीनन देना शुरू किए होंगे, जैसे ये बेबीज बाहर आने शुरू हो गए, और कुछ अरसे तक ये वाले बेबीज भी उड़ जाएंगे। ये इसके साथ उड़ने वाली रेसर कबूतर जो है ना, वो उसकी जोड़ी है, वो माशाल्लाह बच्चे भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त नस्ल के आएंगे। फाइनली इन रेसर कबूतरों ने भी अंडे दे ही दिए, बहुत इंतज़ार किया लेकिन अंडे नहीं आ रहे थे इनके, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये मेल सीरियसली बगैर अंडों के बैठे रहते हैं, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा शायद आज अंडे दे दिए इन्होंने। इसके बाद अब नेक्स्ट वालों को देख लेते हैं, अल्लाह करे इन्होंने अंडे दे दिए हों, क्योंकि उन्होंने तो बिस्ती करा दी, अंडे नहीं दिए हुए थे उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दे दिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उड़ने वाले कबूतर हैं, अल्लाह करे इनकी भी नस्ल आगे बढ़े, पिछली बार इन्होंने अंडे ज़ाया कर दिए थे और तोड़ दिए थे, तो उम्मीद है इस बार बच्चे ज़रूर ये लोग। तो इस बेबी पिजन की फ़र्स्ट फ्लाइट थी आज, और ये गलत जगह जा कर लैंड कर गया, अब अल्लाह बचाए इसको परिंदों और ऐसे जानवरों से, अल्हम्दुलिल्लाह ये उड़ के वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी बिल्कुल फ़र्स्ट फ्लाइट थी, जो कि अच्छी उड़ा ये, और अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपनी छत पे आ गया। ऑलमोस्ट एक घंटे पहले मैं उड़ा के गया था, और ये दो कबूतर अभी तक हवा में, तो लेट्स होप कि ये जल्दी से उतर आए, फिर मैं देता हूँ इनको दाना। दाना मैंने डालना शुरू कर दिए, तो उम्मीद में यही कर रहा हूँ कि जैसे ये बाकी कबूतर आ गए हैं तो वो भी आ जाएंगे नीचे। स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो भाई मुझे इधर ही खिलाओ, खा लो ये लो, चलो उधर ही चला गया। बैकग्राउंड में ढेर सारे चील, पता नहीं क्या इन्होंने शिकार ढूंढा है, कौवे भी हैं, तो इतना उड़ रहे हैं इसको। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए फौरन मिल सके और आप देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।